Assalamu alaikum, just to love you. Welcome back to my channel. Sabko namaste aur welcome back to my channel. आज हम जा रहे हैं वैक्सीन थर्ड डोज, शायद उसको बोलते हैं बूस्टर. तो आज हम लगाने जा रहे हैं बूस्टर. वैसे तो हमारा टाइम पहले से हो गया, पर फिर आज ही टाइम मिला. हमारा इधर आसपास में तो नहीं है, फिर थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा आज हमें. देखते हैं, आई होप मिल जाए. सो अभी हम जा रहे हैं. मैंने अभी मेरा काम हो गया, मेरे बाल देख के पता चल रहा होगा. मैंने हाँ कॉम किया, कुछ नहीं किया. जो जा रहा है सो सब आ गया. हम लेट हो रहा है इसलिए. फिर अब जा रहा है. मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. ये चिया सीट है, मैं गाड़ी में कार में पी लूँगा. और ब्रेकफास्ट फ्रूट्स है, वो भी मैं कार में खा लूँगा. दिखाती हूँ. हम निकल रहे हैं. ये हमारा टिकटी कॉलोनी है. मेरा ब्रेकफास्ट आगे रास्ते पे आ गए. पूछते आ रहा था. अभी पूछ रहा है कि बूस्टर कहाँ पर लगाते हैं. बूस्टर डोज लगाता है. बूस्टर हाँ जी, बताने मालूम करना पड़ेगा. ये क्या प्राइवेट हॉस्पिटल है ना ये? ठीक है, क्या गाड़ी जा सकता है अंदर? ठीक है, थैंक यू. सो अभी हम एक हॉस्पिटल पे आए हुए हैं, प्राइवेट. नाम क्या था उसका? सुब्रत नहीं कर रहे तो नाम मैंने अच्छे से नहीं देखा. सो अभी हम इधर पूछने जा रहे हैं. वैसे तो नहीं पता है कि नहीं, श्योर नहीं है. पर जहाँ पर पूछ रहा है ना, लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट में ही होता है ये ना. सो अभी हम लोग पूछने जा रहा है. सो वहाँ पर कोविड का सेक्शन है, हम लोग उधर ही जा रहा है. मैंने सोचा कि ना आज से मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लूँ. बहुत लोगों ने बोला है कि हिंदी में बात करो, समझ में नहीं आता है. इसलिए जो हम लोग लैंग्वेज बात करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, बोला ना. इसलिए फिर सोचा कि आज से मैं थोड़ा हिंदी में बात कर लूँ, हिंदी में व्लॉग बना लूँ. इधर तो बूस्टर के लिए मना कर रहा है, बूस्टर नहीं है बोला ना. फिर हम लोग जा रहे हैं अभी शायद बल्लूपुर की तरफ. सैनर्जी हॉस्पिटल है बोला उधर. एनर्जी में मिल गया कोविड कार्ड बनाना पड़ रहा है. इधर बना रहा है एमरजेंसी में ना. इधर लिखा हुआ वैक्सीनेशन फॉर कोविड. सो इधर फाइनली हमें मिल गया. सो अगर कोई भी वैक्सीनेशन लगाने हो हमारे आसपास में हो, फिर ये इधर आ सकते हो. बल्लूपुर इधर एड्रेस है, बल्लूपुर कैनाल रोड देहरादून. बल्लूपुर है सैनर्जी हॉस्पिटल. पर हेड कितना लग रहा है? 385.
अभी हमारा बूस्टर हो गया, रास्ते में हम थोड़ा विशाल घूमने जा रहा है, कुछ इन लोगों को सामान लेना है इसमें। हमारा शॉपिंग तो हो गया, वैसे कुछ सामान ज़्यादा लेना तो नहीं है, पर विशाल ऐसा होता है कि उसमें सब वैरायटी मिल जाता है, इसलिए फिर देखते देखते टाइम लग गया। अभी फिर बिल्डिंग में कैश काउंटर में कस्टमर ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर अभी ये बूस्टर लगाया ना, हाथ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वैसे तो फर्स्ट डोज में बहुत लोगों को बीमार हुआ था, बुखार हुआ था, सिर दर्द हुआ था। सेकेंड डोज में तो कुछ नहीं हुआ, फिर अभी थर्ड डोज में तो बूस्टर ही है ना, बूस्टर में भी बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जो हाथ है बहुत पेन हो रहा है और तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है अभी तो। ओके, फिर मैं दिखाती हूँ, देखते रहिए आप लोग। आज मौसम अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है। यहाँ से जाता है प्रेम नगर, देहरादून, यहाँ से जाता है विकास नगर, सेलेक्ट्री। तो अभी ये है कि बारिश का सीजन आ रहा है ना, इसलिए ये भी आओ मिल गया। ये लेना था इसलिए थोड़ा देख गया, ऐसा रास्ता में बहुत देर से। कार के अंदर बैठा हूँ, गर्मी लग रहा है थोड़ा सा ना, वैसे बाहर तो हवा चल रहा है। एंड ये भी है कि अभी थोड़ा सा धूप भी आ गया। फिर हमने ये लिया था प्लम, किलो का बोला 100 रुपये शायद, हाँ 100 रुपये ही बोला था। मैं तो ये खा के बैठा था कब से, मम्मी लोग दीदी लोग अभी भी छाता खरीद के बैठा है, बहुत टाइम से गया था, अभी भी घूम घूम के इधर आस पास में बहुत है इसलिए ना। ओके, इन लोग आ गया, फिर हम लोग चलते हैं। अब हम घर में आ चुके हैं, घर में आके 1 घंटा हो गया, अभी ऐसे ही बैठा हूँ, भूख लग रहा था, सोचा कि मैंगोस खा लूँ अभी। जो मेरे नॉन टिबेटन है, जो हमारे टिबेटन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि आज से मैं थोड़ा हिंदी में बात करके व्लॉग बना लूं, क्योंकि दो चार था कि पहले से बोलता था हिंदी से बना लो व्लॉग, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था जो हमारा लैंग्वेज होता है ना। फिर कल परसों भी मैंने एक ब्लॉग डाला था, उसमें भी बोला था बहुत ने, शायद नागालैंड से था, 2-3 ने कमेंट किया था कि 2-3 ने कमेंट किया था कि आप थोड़ा हिंदी से बना लो या इंग्लिश से। वैसे हमारा इंग्लिश तो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए सोचा कि हिंदी से बना लूँ, हिंदी में, अगर क्योंकि अगर आप इंडिया में हो तो सबको हिंदी तो आता ही है, समझ में आता है, अगर ना बोलना आता तो समझ में तो आता ही है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज से हिंदी में ही बना लूँ ब्लॉग, क्योंकि हमारे टिबेटन लोगों को तो सबको आता ही है हिंदी ना, फिर इसलिए फिर आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आएगा ब्लॉग देख के, इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं हिंदी से बना लूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़रूर अपने फैमिली से शेयर करना, फ्रेंड को, यही है। फिर आज तो दिन ऐसे ही गया, अभी तो हाथ थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, आज तो थोड़ा रेस्ट करके बैठूँगा। फिर आज मौसम भी अच्छा है, अभी आते आते रास्ते में बहुत हवा आ रहा था, बारिश होने वाला था पर बारिश नहीं हुआ। फिर अगर आसपास में किसी को वैक्सीन लगाने हो, मैंने वैसे तो बोल दिया है कि बल्लूपुर पे है सैनर्जी हॉस्पिटल, उसमें पर पर्सन 385 पर पर्सन 385 चार्ज है, और बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर अगर नहीं किया होगा तो इधर आसपास बैठने वाला, अगर आपने बूस्टर नहीं लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर जाओ बूस्टर लगाओ अपना। थोड़ा सा दूर है, अगर हमारा इधर से हो तो थोड़ा दूर है, अगर देहरादून से ही हो तो फिर पास में ही है, जल्दी हो जाता है, ज़रूर बूस्टर लगाओ। और यहीं तक था आज का व्लॉग, फिर जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय सबको।